हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। टुडे इज योर मैथ्स क्लास। सो ऑल स्टूडेंट्स, ओपन योर मैथ्स बुक, ओपन पेज नंबर 198। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक मनी कन्वर्शन एंड एक्सरसाइज 3। ओके सो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल 100 पैसे होते हैं एंड 100 पैसे में 1 रुपीज होते हैं। ओके, यू नो वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स, चलो एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड। एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2। अब सबको साथ में काम करो, 1, 2, 3,
फाइव एंड टू कितने हो गए सेवन. ओके देन सेवन एंड टू सेवन एट नाइन ये हो जाएंगे नाइन. ओके नेक्स्ट वन देख लेते हैं. रुपीज है 36 में 29 को ऐड करना है. सबसे पहले बहुत सारे रीजन को हम ऐड कर देंगे. देन सिक्स एंड नाइन को ऐड करके बताओ. हरी अप स्टूडेंट्स टेल मी सिक्स प्लस नाइन कितने होते हैं. नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन. ठीक है देन नाइन एंड सिक्स कितने हो गए फिफ्टीन. देखो फिफ्टीन है तो टू डिजिट में तो जो आगे वाले रीजन होती है वो चली जाएगी कैरी में और फाइव आ जाएगा नीचे. ओके देन आप सबको साथ में काउंट करना है कैरी को भी करना है. थ्री फोर फाइव सिक्स क्या आ जाएगा सिक्स. ओके तो क्या हो जाएगा इधर टोटल 97 रुपीज और 65 रुपीज. ओके अब देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको ये समझा देती हूँ. ओके ये तो सबको क्लियर हो गया ना. फर्स्ट क्वेश्चन में ए भी तो मैंने करवाया है एंड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सी एंड डी आपको खुद को ट्राई करना है. अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का एक समझा देती हूँ. ओके शर्ट खरीदी थी इतने रुपए की और जींस इतने रुपए की
फोर एंड फाइव कितने होते हैं नाइन, ठीक है। उसमें टोटल कितने पैसे खर्च किए 927, ठीक है। तो आप लिख देंगे लास्ट में चलू स्पेंड, उसने टोटल इतने पैसे स्पेंड किए, कितने पैसे खर्च किए रुपीज 927 इन ऑल, दोनों को टोटल करके उसने इतने पैसे उन्होंने खर्च किए। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब देखो फोर्थ वाला पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके, सो ऑल ऑफ यू फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन इज अ ओके फोर्थ क्वेश्चन रेनू हैज अ 152 रुपीज इन हर मनी बैंक। रेनू के पास 152 रुपीज थे उसके बैंक में। हर मदर गेव हर 37 रुपीज, उसकी मम्मी ने उसको 37 रुपीज और दिए। ओके, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। अब उसके पास टोटल कितनी मनी है, तो इसमें भी हम एड कर देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन के साथ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, रेनू हैज रुपीज इन हर मनी बैंक। उसकी मनी बैंक कितने रुपीज के, सॉरी रुपीज है कितने हैं 152। ओके, और उसकी मम्मी ने उसको और कितने रुपीज दिए, हर मदर गेव हर मॉम ने उसको और 37 रुपीज दिए। अब उसके पास टोटल कितने रुपीज है, ठीक है, तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो पहले रुपीज लिख देंगे, लिख देंगे 152 एंड 37 वंस दैट टाइम्स हम इसको यहां लिख देंगे, ठीक है। अब उसको ऐड कर देंगे, तो सबसे पहले वंस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, तो 789, ओके 5678 एंड 1 का 1, तो उसके पास अब कितने पैसे हैं, तो हम लिख देंगे रेनू उसके बैंक में हो जाएंगे जो कि 189 इन हर मनी बैंक नाम। ठीक है, अब उसके मम्मी ने उसको और दिए तो हमने उसको ऐड किया, अब उसके मनी बैंक में 189 रुपीज हो गए। ओके, होप सब आप सबको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है तो प्लीज गूगल पे क्लियर करना। सो ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर, बी सेफ।